देखिए मानक, सबसे ज़्यादा चर्चा जिन सीटों की थी उसमें सबसे पहली सीट वीआईपी जो घाटलोड या जहाँ से खुद मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं उनके आगे चलने की खबर है। इसके अलावा जो बाकी सीटें चर्चा में थी जिसमें अल्पेश ठाकुर गांधीनगर दक्षिण से थे उनके भी आगे चलने की खबर है। हार्दिक पटेल कभी आगे आ रहे हैं कभी पीछे जा रहे हैं, इस तरह की लगातार आंकड़े बता रहे हैं। वो विरमगाम सीट से मुकाबला कर रहे हैं जहाँ पर कांग्रेस के लखा भाई जो हैं उनके सामने उनका मुकाबला है। इसके अलावा जो बाकी की सीटें हैं, वड़गाम की मैं बात करूंगा, जिग्नेश मेवानी, उनके भी फिलहाल आगे चलने की खबर है। कई ऐसी सीटें थी जो जिन पर बगावती जो है वो खड़े थे उनके पीछे चलने की खबर है। मधु श्रीवास्तव जो कि वाघोड़िया सीट से, वडोदरा की वाघोड़िया सीट से बीजेपी के बागी तौर पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे उनके पीछे चलने की खबर है। इसके अलावा जो पावी जेतपुर और छोटा उदयपुर, दो ऐसी सीटें थी जहाँ पर कांग्रेस छोड़कर जो छोटा उदयपुर से 50 साल के विधायक जो थे मोहन राठवा, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दी थी, अपने बेटे को टिकट नहीं मिला था और राजेंद्र राठवा उनके बेटे को बीजेपी में टिकट मिली थी, वो बीजेपी में शामिल हुए थे, उनके भी आगे चलने की खबर आ रही है। इसके अलावा सूरत की अगर मैं बात करूँ तो सूरत की करीबन 10 सीटों पर बीजेपी जो है फिलहाल आगे चलती हुई बताई जा रही है। अल्पेश कथीरिया और गोपाल इटालिया की अगर मैं बात करूं जो कि आप पार्टी के हैं, गोपाल इटालिया के पीछे चलने की खबर है लेकिन अल्पेश कथीरिया के आगे चलने की खबर आ रही है। तो इस तरह से कई ऐसी सीटें हैं जहां पर फिलहाल थोड़ी सी कसमकस बनी हुई है लेकिन ज़्यादातर सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार जो है वो फिलहाल आगे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जामनगर नॉर्थ की मैं बात करूँगा, रीवाबाद जाडेजा भी वहाँ से आगे चलती हुई दिखाई दे रही हैं। राजकोट दक्षिण से हमें बीजेपी उम्मीदवार जो है वो आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा गांधीनगर दक्षिण की अभी मैं बात करूं, अल्पेश ठाकुर वाली सीट पे अभी अभी जो अपडेट आया है उसके मुताबिक जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो फिलहाल आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी कई सीटें हैं जहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार ज़्यादातर सीटों पर आगे चल रहे हैं लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार कुछ एक सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।